संतोषानंदा जी, प्राउटिस्ट डॉट इंडिया राजनीतिक पार्टी है, निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और यूनिक उड़ीसा निशा निवारण अभियान जो है, आरंभ से ही मैं इसके आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये जो समस्या है जो आप बात कर रहे हैं कि सरकार नहीं मानेगी तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है, हम ऐसी सरकार को क्यों बर्दाश्त करेंगे जो जनहित के काम को करने में रुचि नहीं रखती है। इसीलिए इसका सबसे बड़ा जो उत्तर यही हो सकता है कि जनता इतनी जागृत हो कि ऐसे सरकार को, ऐसे लोगों का समर्थन ही नहीं करें। कि प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया ने तो ये खुली आम घोषणा की है कि शराबी, दुराचारी, अपराधी, ऐसे व्यक्तियों का न समर्थन करेगा, न अपना पदाधिकारी बनाएगा और न चुनाव में उम्मीदवार बनाएगा। इसीलिए एक ऐसी धारा प्रवाहित करेगा राजनीति में जहां पर कि शराबी, जुआड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, दुराचारी, दुष्कर्म करते किसी को भी कोई राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक राजनीति हमारी शुद्ध और परिशुद्ध नहीं होती है, हमारा कोई भी सामाजिक हित का कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग इस संकल्प के साथ आए हैं, और ये अभी आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये पूरा दिल्ली उमड़ पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन आ रही है। क्योंकि अब इस तरह की हम लोगों ने परिस्थितियों में 72 वर्षों में देखा कि जिन जिन चीज़ों को लेकर के हमारे लोगों ने बलिदान किया, और गांधी जी ने तो कहा कि मुझे सब मौका मिले तो मैं पहला काम करूंगा कि शराब को बंद करूंगा, और गांधी जी के उत्तराधिकारी जो लोग थे उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं ली। और इस तरह की जो बातें होती हैं कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, राजस्व कहाँ से आएगा, तो इस पर ये काफ़ी इस पर मैंने सर्वे हुआ है, अध्ययन हुआ है, और ये चीज़ आई है जानकारी में कि जो भी शराब से आमदनी होती है उसका 20% ही सरकारी खजाने में जाता है। आप सोचिए 80% का क्या होता है, ये सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। और कल माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो जब बिहार को नुकसान नहीं हुआ तो देश को या अन्य राज्यों को क्यों होगा। तो इसीलिए केवल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, लोगों के प्रति प्यार चाहिए, नौजुकों के जीवन के प्रति एक अनुराग होना चाहिए कि हमारे युवक भ्रष्ट हो रहे हैं, अधोपतित हो रहे हैं, और हम उनको गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, उनके भविष्य को बर्बाद नहीं होंगे। थैंक यू।